भरतपुर जिला कलेक्ट्रेट पर विकलांग एकता समिति की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया और इस दौरान दिल्ली में दिव्यांगों पर हुए लाठीचार्ज पर रोष व्यक्त किया गया और साथ ही अपनी विभिन्न मांगे भी यहां पर रखी गई। इस मौके पर समिति के प्रदेशाध्यक्ष पालवेंद्र सिंह ने अनशन किया। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों पर लाठीचार्ज करना निंदनीय है और साथ ही कहा कि दिव्यांगों को मिलने वाली पेंशन में बढ़ोतरी की जानी चाहिए और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत दिव्यांगों को जो ऋण उपलब्ध कराया जाता है उसकी प्रक्रिया भी आसान होनी चाहिए। जो केंद्र सरकार के मंत्री के आदेश पर पुलिस विभाग द्वारा दिल्ली में दिव्यांगों को घसीटा गया, उनके साथ में मारपीट की गई, ये बहुत ही निंदनीय घटना है। और भी अन्य समस्या दिव्यांगों के साथ में है, जैसे रोडवेज बस में परिचालकों द्वारा आए दिन दिव्यांगों के साथ में दुर्व्यवहार किया जाता है, पेंशन बढ़ोतरी को लेकर, पालनहार बढ़ोतरी को लेकर और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत जो लोन मुहैया कराया जाता है दिव्यांगों को, उसको सही क्रम से सही तरीके से दिया जाए। लोग दिल्ली में जो दिव्यांग पर जो एक लाठी चार्ज हुआ है उसकी चक्कर उस बात को लेकर हम दिव्यांग आज यहाँ पर पेंशन पर बैठे हैं और सबसे मुख्य हमारे पालविंदर जी बैठे हैं, ये भूख हड़ताल कर रहे हैं इस बात को लेकर, जिसमें दिव्यांगों का 1% भी कोई दोष नहीं था बट उन पर लाठी चार्ज किया गया पुलिस वालों को लेकर। सबसे बड़ी तो